एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं क्लास के बाद गई थी इस मार्केट में जो कि दिल्ली में है, और यहाँ पे काफ़ी चीप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, कपड़े भी और बाकी जितना भी सामान होता है वो सब। और आज मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद, ये मेरी क्लास के साथ ही है ये मार्केट, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसके बाद मुझे कुछ लेना भी था तो मैं सोच रही थी कि कुछ मिल भी जाएगा और सोचा कि साथ में व्लॉग भी शूट कर लूँ। तो बस इसी के साथ साथ मैं आज यहाँ पे गई, और ये काफ़ी चीप मार्केट है। ये है करोल बाग की मार्केट जो कि ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन पर ही है। यहीं पे करोल बाग मार्केट में ही जैसे आप एंटर करोगे तो ये जो आंटी है, इनका पास्ता बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने भी ट्राई किया था, और मैंने एक बार पहले भी ट्राई किया था जो कि काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजरली भीड़ रहती है, और मतलब ये अकेले आंटी होते हैं यहाँ पे बनाते हैं, और बाकी सब और भी होते हैं, तो अच्छा बढ़िया बनाते हैं। और आप लोग भी अगर आओगे तो ज़रूर ट्राई करना। भीड़ भी देख सकते आप। तो पास्ता ख़त्म करने के बाद मैं चल पड़ी थी अपने लिए कुछ सामान ढूंढने। उसके बाद मैं बस देखे जा रही थी कुछ अपने लिए, बस अभी वही ढूंढ रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर की एक जैकेट थी, वो काफ़ी पसंद आई थी, तो मैंने बस वो ही खरीद ली एक। और ये मार्केट का छोटा सा टाइम लैप्स मैंने शूट किया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रह रही थी, और अगर किसी को भी आना होगा मंडे तो वो मेजरली मंडे को आए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट खुली रहती है। तो मैं डायरेक्ट क्लास से घर आ गई थी, मैंने वहाँ पे वो जैकेट ली थी, और उसके बाद मैं रूम पे आ गई, और इसके बाद अब मैं खाना बनाने लगी हूँ अपना रात का डिनर। तो मैं आपको बताती हूँ मैं अपना क्या बोलते हैं उसको, पूरा स्टॉक जो होता है मेरा खाने का, जो भी मैंने स्टॉक रखा है वो। ये मैंने अपना पूरा खाने का स्टॉक रखा है, इसमें सारी दालें रखी है मैंने, और इधर मैंने चावल रखे हैं और टमाटर, प्याज भी पीछे रखे, और एक घी है, सफोला ओट्स है, मे बी कॉर्नफ्लेक्स होगा अंदर, बिस्किट का पैकेट है, और बाकी सारी दालें हैं जितनी भी टाइप्स की दालें। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मसर की दाल, तो बस इसको बनाऊँगी। मैंने अपनी दाल रख दी है बनने, तो बस अभी थोड़ी देर बनेगी, और इसके बाद मेरे चावल तो ऑलरेडी रेडी हैं, और फिर उसके बाद बस खा के लाइब्रेरी जाऊँगी, बस फिर लाइब्रेरी बैठेंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे। और मैं आपको वो बताती हूँ जो मैंने सरोजनी नहीं करोल बाग मार्केट से लिया था आज अपने लिए जैकेट। वो मतलब करोल बाग मार्केट की काफ़ी सस्ती मार्केट है, और सरोजनी जैसी ही है। अगर कोई दिल्ली में यहीं पे रह रहे हैं तो वो आके तो वो एक बार ज़रूर आए करोल बाग मार्केट, सबने देखा ही होगा। तो ये जैकेट लिया मैंने, इट्स ओनली फॉर 300। आई गॉट इट फॉर 300, जो कि बहुत बढ़िया, क्वालिटी भी अच्छी है, और 300 में से ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्टेड है। तो मुझे ये मिल गई थी, और जस्ट तो अभी डेली वेयर के लिए ठीक है, और मतलब स्ट्रीट मार्केट है तो अच्छा सामान मिल जाता है वहाँ पे। और अगर कोई और भी होगा तो जो दिल्ली में ही रह रहा है तो डेफिनेटली विज़िट करना करोल मार्केट को, और एक्सप्लोर करना अपने अपने एंड से, अपने अपने तरीके से। तो खाना खाने से पहले मैं जस्ट अभी पूजा करके बैठी हूँ, और अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँगी, और इसके बाद जाऊँगी लाइब्रेरी, इसके बाद खाना खाऊँगी, फिर लाइब्रेरी जाऊँगी। तो डिनर मेरा रेडी है, ये मैंने दाल बनाई है अभी, और ये है चावल। एक्चुअली मेरे से प्रेशर कुकर में चावल बनते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो मम्मी पापा ने मेरे को ये राइस कुकर लेने को बोला था, और उन्होंने राइस कुकर लेकर दिया,
ताकि मेरे से चावल ख़राब ना बने और मैं जल्दी जल्दी बना लूँ, ताकि और टाइम भी ना लगे बस। तो अभी मैंने डिनर तो कर लिया और अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, और बाहर बहुत ठंड है। तो आई टेल यू कि मैं क्या कर रही हूँ। मम्मी का मुझे फ़ोन आया था, तो मम्मी ने बोला बाहर बहुत ठंड होगी, तो लिटरली ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल। बाहर ठंड होगी तो मेरा ऊपर से ज़ुकाम भी नहीं जा रहा, कोल्ड भी नहीं जा रहा 3-4 दिन से। तो मम्मी का कॉल आया और मम्मी ने बोला कि ये सरसों का तेल जो है थोड़ा कान में लगा लेना, और इसकी वजह से हवा नहीं जाएगी। आई डोंट नो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग, बट आई एम डूइंग बिकॉज मम्मी ने बोला है, तो आई शुड ट्राई दिस। आई डोंट नो इट्स गोइंग टू बी हैपन। चलो अभी रात होने वाली है, इसके बाद तो काफ़ी अब ये कर लिया है। अ लॉट ऑफ टिश्यूज फॉर माई नोज। मास्क इज नॉट फॉर पॉल्यूशन एंड कोरोना, बट ओनली टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम कोल्ड विंड। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, रूम जा रही हूँ वापस लाइब्रेरी से, और टाइम तो काफ़ी हो गया है। बट रास्तों में मतलब सही अच्छे हैं रास्ते, कोई डरने वाली बात नहीं है, सारे रास्ते मतलब सिक्योर हैं। पुलिस होती है यहाँ पे, तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं इस पूरे एरिया में, तो ज़्यादा कुछ वो उसकी बात नहीं है कि रात को ट्रैवल जा नहीं सकते आगे पीछे, तो यहाँ पे इजी है। और मैं रूम पहुँच गई हूँ अब, तो अब इसके बाद जस्ट डायरेक्ट सोना है, और क्योंकि कल क्लास भी है सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। तो बस यहीं पे मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, और होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड होप कि आप लोग देखने के बाद वीडियो को शेयर भी करोगे। और बस इसी के साथ आज यहीं पे बंद करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, शुद्ध जागो, गुड नाइट एवरीबॉडी।